सो हे गाइस, दिस इज एज। सो फाइनली मैंने मूवी कंप्लीट की है, डेथ एट फ्यूनरल। ये मूवी 2010 में आई थी और मूवी को आईएमडीबी पर 5.7 के आसपास की रेटिंग मिली है। वैसे मूवी की लेंथ 1 आवर 32 मिनट के आसपास की ये मूवी होने वाली है और मूवी में हमें कई सारे, मतलब आप हॉलीवुड के जो भी ब्रांड ऐसे कॉमेडी स्टार है वो हमें मोस्टली हमें इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। गाइस आप इसके चेक कर सकते हो अभी फोटो में, तो सिर्फ 1.5 घंटे की ये मूवी है और मूवी का जेनर जो है कॉमेडी और डार्क कॉमेडी टाइप का इस मूवी का जेनर है। गाइस वैसे मूवी की कहानी की बात की जाए तो मूवी की कहानी फॉलो करती है रयन और एडन के फादर पर, जिसकी हाल ही में डेथ हो चुकी है और सारे ही रिश्तेदार उनकी डेथ में आते हैं। फिर क्या बवाल होता है वहीं इसी पर इस मूवी की सिंपली स्टोरी आने वाली है। मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई सारी इसमें चीज़ें डाली गई है, लाइक डेथ के टाइम यानी फ्यूनरल जब चल रहा होता है उस टाइम कई सारी ऐसी हमें मल्टीपल थिंग्स देखने को मिलती है, जिसमें से जो सरप्राइजिंग मेन जो थिंग है वो गे वाली है। इसके अलावा जो हमें देखने को मिलती है कि एक बंदा जो कि मजबूरी में इसको एक ड्रग्स वाली वैलियम दी गई है, इसके अलावा भी कई सारी लाइक अंकल रसल की जो एक थिंग्स है और भी कई सारी हमें इस मूवी में थिंग्स देखने को मिलती है। घर का जो बड़ा बेटा है रियान, मतलब उसकी जो पत्नी होती है वो उस टाइम उसको सेक्स में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, अब ये क्यों है और उसको सिर्फ और सिर्फ सेक्स की पड़ी होती है। इसके अलावा जो छोटा बेटा है एरन, वो किसी लड़की को बता रहा है, मतलब यह सारी हमें थिंग्स इस मूवी में देखने को मिलती है। वैसे इसके अलावा ब्रायन का भी कैरेक्टर है जो कि इस कॉफिन को लेकर आता है। मूवी के स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 मिनट के प्रीव्यू में वो हमें देखने को मिलता है, जहां पर वो इस डेड दोनों के ही डेड की जो बॉडी है उसको लेकर आता है। उस टाइम में जी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मतलब काफ़ी ज़्यादा डार्क टोन है यार, काफ़ी ज़्यादा रेसिस तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी ही ज़्यादा डार्क टोन इस मूवी में हमें देखने को मिलता है। सो उस केविन हार्ट का जो फर्स्ट 4 मिनट का प्रीव्यू है वो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, उसका आप छोटा सा क्लिप देख सकते हो। गाइस ब्रायन ये कौन है? जब मेरे पापा गुजरे थे तब मैंने भी यही सवाल पूछा था, कौन है ये आदमी? नहीं, ब्रायन कॉफिन में किसकी बॉडी है, क्योंकि ये मेरे पापा नहीं है। तुम्हें यकीन है? क्या तुम मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं अपने पापा की शक्ल भूल गया हूँ? नहीं, दुख में लोगों को होश नहीं होता है। तो मुझे उनका प्रीव्यू डेफिनेटली पसंद आया है गाइस। उसके अलावा भी हमें मूवी में सारे ही मोस्टली मैंने स्टार्टिंग में ही जैसा कि आपको कहा कि कई सारे कॉमेडी एक्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन मूवी की जो राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है गाइस। मूवी में ऐसा कुछ भी नया नहीं है, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। मूवी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट विंड पर चलती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो मैंने कहा कि गे वाली सिचुएशन को ऐड किया गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब और कई सारे इस मूवी में सस्पेंस और ऐड हो सकते हैं, लेकिन मूवी को सिर्फ और सिर्फ खींचने की ही कोशिश की गई है। वैसे मूवी की लेंथ सिर्फ और सिर्फ 1 आवर 32 मिनट के आसपास की है, इसके बावजूद भी ये मूवी आपको फील होती है। अगर पोस्ट क्रेडिट सीन को काट दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 आवर 28 या फिर 27 के आसपास की ही ये मूवी बचती है। इतनी ज़्यादा कम होने के बावजूद भी ये मूवी आपको फील होती है गाइस, तो मतलब समझ सकते हो कि इसकी एडिटिंग और पेसिंग ढंग से नहीं की गई है। इसके अलावा भी मूवी में कई सारे ऐसी सिचुएशन डाली गई है जो कि कई सारी ऐसी ऑडियंस या फिर कह लो कि उनको ये सिचुएशन सूट नहीं होने वाली है गाइस। स्पेशली अगर आप किसी रिलीजन या फिर इंडियन हो तो डेफिनेटली इससे आप कनेक्ट करते हो, क्योंकि अगर आपके फादर की डेथ हो रही हो और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन लाइक बड़ा बेटा है वो उसकी पत्नी उसके साथ सेक्स करना चाहती है, छोटा बेटा किसी लड़की को पटा रहा है जो कि सिर्फ अभी 18 ईयर की ही है, उसको पटाने की कोशिश कर रहा है, ये सारी कई सारी हमें ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है। दूसरा है जो कई सारे ऐसे हमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, मुझे सबके नाम तो अभी नहीं पता है, लेकिन उसमें से एक जो होता है वो एक उसकी एक्स आई होती है उसको पटाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो अंकल रसल है वो कई सारी, मतलब खाने में ही वो तो आपको देखने को मिलेंगे, वो सिर्फ में खाने में ही उनका फोकस रहा है और इसे आपको इस मूवी में सिचुएशन देखने को मिलती है। वैसे मूवी में कॉमेडी के नाम पर आपको हंसी नहीं आती, लेकिन इसी सिचुएशन के नाम पर आपको शायद आ जाएगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ मूवी में जिसका कैरेक्टर पसंद आया है वो केविन हार्ट का है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमें मूवी के फर्स्ट 5 मिनट में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनकी मूवी में जो उनकी पकड़ स्टार्टिंग से ही आपको कैच कर लेती है, उनका ही सिर्फ मुझे कैमियो पसंद है। बाकी सबका एक्टर ने अपनी एक्टिंग ठीक ठाक ही है गाइस, लेकिन कोई ऐसी ओवर डू एक्टिंग नहीं आपको देखने को मिलती है, सिंपली वही देखने को मिलती है, जिस वजह से डेफिनेटली ये मूवी से आप, मुझे ये मूवी से इमोशन से तो इस मूवी से आप कट ही चुके होंगे गाइस, क्योंकि इमोशन में कुछ ऐसा खास नहीं ऐड किया गया है। बड़ा बेटा एक
नोवेल लिख रहा है जहाँ पर वो सक्सेस नहीं है, छोटा बेटा जो कि एक सक्सेस है तो वो उसको बता नहीं रहा है। वैसे ये सारी ही जो सिचुएशन है, फैमिली कभी गेट टुगेदर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूनरल में ही गेट टुगेदर होती है। और भी कई सारी चीज़ें कॉमेडी के लिए ऐड की गई है, लेकिन प्रेजेंट और जो एक आपको पेश देनी चाहिए वो इस मूवी में आपने नहीं दी है, जिस वजह से ये मूवी डेफिनेटली एक लेवल पर नहीं पहुँच चुकी है। इसीलिए ही सिर्फ इसकी रेटिंग 5.7 है गाइस। वैसे ऐसा नहीं है कि ये मूवी सभी को नहीं पसंद आ सकती, कुछ लोगों को ये मूवी पसंद भी आ सकती है, लेकिन जिस हिसाब से इसका सीनेरियो हमारे सामने रखा गया है, मुझे तो ये मूवी काफ़ी ही बकवास लगी गाइस। मुझे मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ केविन हार्ट का ही वो सिचुएशन अच्छा लगा कि वो उस टाइम पर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो उनकी जो फेस सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग देखने को मिलती है, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये क्लिप दूसरा क्लिप देखिए आपको मजा आ जाएगा। तुम्हारी मॉम ठीक है ना एरन? वो ठीक है, उनकी तबीयत भी ठीक है, तुम्हारी जल्द जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया, तुम्हारे रसल अंकल का क्या, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी? निकलो। अच्छा, मैं बस यूं ही पूछ रहा था, समझे। ऐसी सिर्फ मूवी कॉमेडी 1 आवर 30 मिनट के आसपास होने के बावजूद भी मूवी में हमें सिर्फ कुछ ही सिचुएशन पर कॉमेडी आती है, जो कि एक अलग ही कॉमेडी की बात है गाइस। मतलब इतनी 1.5 घंटे की मूवी में सिर्फ आप 4-6 ऐसी कॉमेडी कर रहे हो तो मतलब मज़ा नहीं आएगा ना। सो यही कुछ है कि यह मूवी को आप डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। वैसे मूवी की हिंदी डबिंग के अभी वेट वाइप नहीं की है, मैंने ये मूवी को हिंदी में चेकआउट किया है, तो सभी के कैरेक्टर को अच्छी आवाज़ दी गई है। मैं इस बंदे का नाम तो भूल गया हूँ, लेकिन इस बंदे को जो आवाज़ दी गई है, मतलब यार सनी पाजी टाइप की आवाज़ दी गई है। वो चाहे मतलब उस वो अभी सिर्फ एक कॉलेज में पढ़ रहा है, मतलब वो केमिकल स्टूडेंट है, आपको मूवी में देखने को मिल जाएगा। सो इसको इसी गंभीर टाइप की आवाज़ दी गई है। और भी कई सारी हिंदी में मतलब मजा बन दिया गया है नेटफ्लिक्स ने। बाकी हिंदी का काम अच्छा ही अच्छा तो नहीं कह सकता हूँ गाइस, क्योंकि हिंदी डबिंग अगर अच्छी नहीं हो, इंग्लिश में अगर शायद इस मूवी को मैंने चेकआउट किया होता तो शायद ये मूवी अच्छी हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। अभी मैंने इस मूवी को हिंदी में देखा है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है गाइस। सो अगर आप इस मूवी को हिंदी में चेकआउट कर रहे हो तो आप अभी से आपको पता चल गया होगा। वैसे डायलॉग को ज़्यादा घुमाने की कोशिश नहीं की गई है, हाँ कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर डेफिनेटली उसको काफ़ी ज़्यादा घुमाया गया है। मतलब कई सारी ऐसी हमें सिचुएशन देखने को मिलती है जहाँ पर बातें कुछ और इंग्लिश में कुछ और हो रही है, क्योंकि मैं सबटाइटल तो ऑन ही रखता हूँ, वैसे और हो रही है और डायलॉग कहीं और डाले गए हैं। मतलब ये तो हर बार का हो गया है कि हिंदी डबिंग के नाम पे कुछ भी आप डाल देते हो। सो नेटफ्लिक्स आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी गाइस कि मूवी अगर 80+ है तो उसको इस हिसाब से ही हमें डबिंग अगर उसकी मिलती तो बढ़िया रहता, लेकिन डबिंग भी ना हमें उस नाम पे नहीं देखने को मिली। वैसे मूवी और भी एवरेज है और इसके बावजूद भी मूवी की डबिंग भी काफ़ी लो की गई है। सो डेफिनेटली क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं? सो मूवी डेफिनेटली ये मूवी को आप स्किप ही कर देना गाइस, क्योंकि मूवी मुझे काफ़ी कुछ भी काफ़ी पसंद नहीं आया है। कई सारी ऐसी मूवी में फॉल्ट है जो कि अभी आप मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ ये मूवी खास है नहीं कि इसके फॉल्ट में आपको दिखाऊँ गाइस। सो डेफिनेटली ये मूवी को आप स्किप कर सकते हो, और अगर आप देख ही रहे हो, अगर आप ये मूवी देखना ही चाहते हो तो ये मूवी आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने का तो सोचना ही मत गाइस, क्योंकि मूवी में भर भर के ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए। मतलब न्यूड सीन भी है मूवी में, ऐसा नहीं है न्यूड सीन नहीं है मूवी में, न्यूड सीन है। एक बंदा जो कि डेथ हो चुकी है, उसके ही घर पे एक बंदा जो कि न्यूड घूम रहा है, मतलब उसको ड्रग्स का जो एक मामला पिलाया जाता है, उसके बाद वो मतलब एक सिचुएशन पे वो टेरेस पर नंगा घूम रहा है और उसकी बीबी प्रेगनेंट है, वो कई सारी ऐसी सिचुएशन है, लेकिन उसको ढंग से हमारे सामने नहीं रखा गया है। मूवी काफ़ी ज़्यादा लेंथी आपको लगने देखने को मिलेगी, और उन सब में भी इसकी हिंदी डबिंग, मतलब यार कुछ तो अच्छा होता है इसमें, हिंदी डबिंग तो शायद अच्छी हो सकती थी। सो उसके नाम पर भी हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिला। सो डेफिनेटली मैंने अपनी ज़िंदगी या 1 आवर 30 मिनट वेस्ट किए हैं। सो आपसे यही उम्मीद है कि इस मूवी को आप नहीं देखो, और देखो तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर ऐसे उम्मीद लगा के मत देखना इस मूवी को। हाँ, इसमें कई सारे हमें कॉमेडी एक्टर देखने को मिलते हैं जो कि आज के लेवल पर भी काफ़ी ही अच्छे एक्टर कई सारी कॉमेडी मूवी में हमें देखने को मिले हैं, तो उन सब का भी काम कर दिया है इस मूवी में, पूरा उनका उपयोग ही नहीं किया गया है, उनको सिर्फ सिर्फ वेस्ट ही किया गया है, जो कि काफ़ी शर्मजनक बात है गाइस, क्योंकि कई लेवल पर जो बी के एक्टर है वो हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं, और उनका भी अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो समझ लो कि आप कितने बड़े राइटर और डायरेक्टर हो। सो मुझे ये मूवी ये वो एवरेज से भी कम लगी है गाइस। ऑफकोर्स इस मूवी को आप स्किप ही करना गाइस। या अगर आपको ये वीडियो
अभी तक आप देख रहे हो तो पसंद आया ही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हो गाइस, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वैसे ये मूवी लेस्ट ही आई है, सो इसीलिए मैंने इस मूवी को देख कर रिव्यू किया है। सो ये रिव्यू आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में जरूर बताना गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। और मूवी और टीवी शो से रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ हम हमारे वीडियो में आपको देते रहते हैं, सो वो आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को देख के बाद आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। सो वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या फिर थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो, सो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे वीडियो में, टिल देन।